हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना सभी को आता है, बड़ी इजीली निकल जाता है, कुछ हम याद भी कर लेते हैं। लेकिन जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर की बात आती है तो एक डिवीजन मेथड, ट्रेडिशनल मेथड होता है जो हमने क्लास 8 में सीखा हुआ है और थ्रू आउट लाइफ हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत लेंथी मेथड होता है। तो उसके लिए हमने एक शॉर्टकट तरीका बनाया हुआ है जिससे नॉन परफेक्ट स्क्वायर को हम बड़ी इजीली निकालने में एबल होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, रूट 9 इसको तो 3 बड़ी इजीली आप लोग बता सकते हैं, बट व्हाट अबाउट रूट 7? इसको करने के लिए जो डिवीजन मेथड क्लास 8 में सीखा है बहुत लेंथी पढ़ने वाला है यहाँ पर। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको आप नोट करेंगे, अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। देखो स्टूडेंट, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। रूट 7 को इसे सोल्व करने वाला हूं मैं। प्लस माइनस मतलब प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। रूट 7 को हम लिख सकते हैं 9 माइनस 2, ठीक है। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, अंडर रूट एक्स मीन्स अंडर रूट 9, प्लस माइनस है अपने पास माइनस है तो यहाँ पर माइनस रखेंगे। व्हाट इज वाई? दिस इज एक्स, दिस इज वाई, तो 2 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स मीन्स 2 अंडर रूट 9। तो ये बना यहाँ पर 3 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 9 मीन्स 3, 3 टू 2 6, तो इट बिकम 1/3। तो दिस इज 3 माइनस 1/3, सोल्व करके आ रहा है 8/3 मीन्स 2.66 अप्रोक्सीमेट। दिस इज द क्या किया यहाँ पर, 3 माइनस 1/3 बना, 1/3 मतलब इसको सोल्व किया 8/3, 8 को 3 से डिवाइड किया। दिस इज द आंसर। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम रूट 17 को सोल्व करने वाले हैं उसी फॉर्मूले से। तो रूट 17 कैन बी रिटन एज नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर इज 16 प्लस 1, 16 प्लस 1 अगेन व्हाट वाज द फॉर्मूला, x प्लस माइनस y इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस माइनस y अपॉन 2 रूट x, दिस वाज द फॉर्मूला। तो यहां पर अप्लाई करने वाले हैं इसको, अंडर रूट x मींस प्लस 1, व्हाट इज y, 1 अपॉन 2 रूट x, रूट x इज 4, 2 रूट x मींस 1/8, तो ये बना आपका 33/8। 33 को 8 से डिवाइड करेंगे, 4 एक बचा, 1 दो बचा, 2 नियरेस्ट। दिस इज द आंसर ऑफ रूट 17। तो ये तरीका है जिससे हम जल्दी जल्दी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम सोल्व करने वाले इन क्वेश्चंस को। रूट 34 कैन बी रिटन एज रूट 36 प्लस 4, दिस इज द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। तो बाय अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला इट बिकम 6 प्लस y अपॉन 2 रूट x मीन्स 12। तो ये बना यहाँ पर 6 प्लस 1 अपॉन 3, एलसीएम लेकर सोल्व किया 19 अपॉन 3, इट मीन्स 6 1 नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। इस टाइप से अगेन अप्लाइंग बाय द सेम फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला, मैंने आपको पहले बता दिया, उसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है एंड क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विद इन फ्रैक्शंस। इसकी बात कर लेते हैं नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पर है 100, तो ये लिखा जाएगा 100 माइनस 1, अगेन ये बना 10 माइनस 1 अपॉन 2 रूट x मीन्स 20। तो यहाँ पर एलसीएम बना 20, 200 माइनस 1 अपॉन 20, इट मीन्स 199 अपॉन 20। इसको सोल्व करके फ्रैक्शंस में हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं था, तो स्क्वेयर रूट के फाइंड आउट किया हमने नॉन परफेक्ट स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये जो टेक्निक हम बड़े से बड़े क्वेश्चंस पे भी लगा सकते हैं। एक दो एग्जांपल हम बोर्ड करते हैं इसमें जिससे आप बड़ी इजीली इसको समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर रूट 199 की, तो इसके परफेक्ट स्क्वायर नजदीक कौन सा है, 196, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 14, 196 प्लस 3, तो ये बना अगेन 14 प्लस 3 अपॉन 28। तो यहाँ पर 28 एलसीएम, 28 को 14 से मल्टीप्लाई करके प्लस 3 डिवाइड बाय 28, ये क्या बनेगा यहाँ पर 132, 41 प्लस में 3, दिस इज 415 अपॉन में 28। फाइंड आउट करके डेसिमल में दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ रूट 199। थैंक यू।